हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांशी एंड फैमिली ब्लॉग्स। गाइस, आज मैं और एक ज़बरदस्त आप लोगों के लिए फर्स्ट ऐसा कुछ प्रैंक लेके आया जो शायद शायद मैं श्योर नहीं हूँ कोई भी नहीं बनाया होगा। तो आज जो प्रैंक होने वाला है गाइस, मेरा बीबी को आज मैं इमोशनल कर दूंगा। इमोशनल इस चीज़ के लिए करूँगा, वो मतलब बहुत दिन से, क्योंकि सामने पूजा आया है, वो बहुत दिन से मुझे बोल रहा है कि ये साड़ी कब दोगी, मुझे पार्लर में जाना है, खर्चा उर्चा दो, ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं बात तो उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना है उसके साथ प्रैंक। तो इसलिए मैं इसका बात इग्नोर कर रहा हूँ। मैं जब ड्यूटी में जाता हूँ तभी वो मुझे कॉल करता है, कॉल करके बोलता है, तो मैं मतलब बाटू घुमा के चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसका मूड तो पूरा ऑफ है, मुझे देखने से उसका जो चेहरा है पता चलता है, लेकिन तो भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पूजा आने वाला, सामने 12 तारीख से शायद पूजा है गाइस, तो आ ही गया, 8-9 दिन है हाथ में। तो इसलिए मैंने सोचा आज एक ज़बरदस्त प्रैंक हो जाए, तो आप लोगों को भी मतलब ये सीख मिल जाएगा कैसे बीबी को पटाना है, मतलब खर्चा, पॉकेट खर्चा बचाना है, क्योंकि एक खर्चा होने के लिए मोटा मोटी अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये अमाउंट को कैसे बचाना है गाइस, आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मेरा आज का प्रैंक कैसा लगा, और क्या बोलूँ। और मैं अभी घर में तो आ गया, परिशेष हो गया, अभी तो बीबी का मूड पूरा ऑफ है, तो मैं उसको बुलाऊंगा। बहुत दिन से उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं उसका पास सुनूंगा, क्या बात है उसका, क्या प्रॉब्लम है, कि क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब पूछूंगा उसको। पूछने के बाद मैं कैसे उसको पटाता हूँ, और खुद वो बोलेगा अपना मुँह से कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए होगा, ऐसा कुछ वो बोल देगा, श्योर है। मैंने इसको कैसे पटाऊंगा आप लोग देखिएगा गाइस। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज, तो आप लोग एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा गाइस। तो अभी मैं शुरू हो जाता हूँ अपना ड्रामा में, ठीक है गाइस। A few moments later. So guys, अभी मैं जा रहा हूँ उसको बुलाने के लिए, क्योंकि उसको तो बुलाना पड़ेगा, मुंह फुला हुआ है। माला, 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 खाओ, सुनो, जल्दी आओ, माला, क्या हुआ? कब से बुला रहा हूँ, सुना नहीं दे, क्यों बुलाए हो, क्या काम है? पानी एक गिलास लेके आओ ना, बहुत जोर से। खुद लेके नहीं खा सकते हो क्या, पानी लेके आओ, इतना तो कम से कम उठ के जा सकते हो, शरीर को थोड़ा हिलाओ ना, नहीं तो बैठ बैठ के जंग लग जाएगा तुम्हारा शरीर पे, थोड़ा बैठ हिलो, ठीक है ना। अभी पानी थोड़ा लेके आओ, बहुत प्यास लगा था, पानी मांगने से ऐसा कोई बात बोलता है क्या, हिलो उलो, पानी खुद ही लाके खा सकते हो क्या, पानी दर्द कर रहा है। और कुछ चाहिए? क्या हुआ, बैठो बैठो ना, क्या हुआ बोलो ना। अरे बैठो, मैं पानी पी लेता हूँ पहले, बैठो बैठो यार, बैठो बैठो ना, इधर बैठो ना, बोलो बोलो क्या काम है। बच के रहो, शांति की कर दिया मेरा। पियोगे तुम? नहीं। अरे सुनो, ये सब छोड़ो, क्या बोलता है, मैंने क्या बोल रहा था इतना दिन से, मतलब मैं टाइम नहीं मिला बोल के, और इसलिए मैं तुम्हारा बात ठीक से सुना ही नहीं दिया, खराब मत पाओ। तो अभी क्या बोल रहा था हमको, बोलो ना क्या बोल रहा था। तुम फोन में भी आज फोन किया, फोन पे भी मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि कस्टमर था ना, कस्टमर से बात कर रहा था, इसलिए मैं फोन पे इग्नोर किया तुम्हारा, क्या बात है वो बोलो। इग्नोर किया तो किया ना, अब क्यों बोलूंगा, तब तो तुम इग्नोर किया तो हो गया, बस अब बात खत्म, मैं कुछ बोल रही हूँ तुमको। हुआ तो गुस्सा होने का इतना क्या जरूरत, तुम बोलो ना क्या बात। कुछ भी नहीं है, कोई भी बात नहीं है, तो गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बोलो ना क्या बात है, बोलो क्या मतलब, क्या चाहिए तुमको, कुछ ऐसा सुन रहा था मैंने, क्या जानकी में अनजान मत बनो, ठीक है, तुमको सब मालूम है। ए क्या बात हो यार, क्या मालूम है मुझे, तुम जानकी में अनजान मत बनो, क्या हुआ क्या, बोलो ना अभी, अभी क्या चाहिए तुमको, बोलो क्या चीज चाहिए हमको, बोलो कम से कम, बोलने से तो मैं इसको सोल्यूशन निकालूंगा ना, तुम नहीं बोलने से मैं कैसे उसको सोल्यूशन निकालूंगा, बोलो बोलो क्या चाहिए। जैसे बोल रहे हो तुम, बोलो क्या चाहिए, अगर बोलते ही तुम दे दोगे
बोलो ना कि बोलने से देखो, बोल के देखो, अगर देता हूँ नहीं देता हूँ बात के बात है, पहले बोल के क्या फायदा है। जब मिलेगा ही नहीं तो बेकार बेकार मैं अपना मुंह फाड़ के बैठा रहूँ, मुंह फाड़ते रहूँ, फिर मिलेगा नहीं तो क्या फायदा है। अच्छा तुम बोलो पहले, पहले तुम बोलो, बाकी सब मिलेगा नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा बोलो क्या चाहिए, बोलो। मैं कब से तुम्हारे साथ पैसा मांग रही हूँ, तुम हर हमेशा ही ऐसे इग्नोर करते हो। पैसा से क्या करोगी तुम, जैसे पूछ रहे हो क्या करूंगी, क्या करोगे तुम, पैसा किस लिए चाहिए होता है ना। तो हमेशा तुमसे मैं पैसा मांगती हूँ, तुम इग्नोर करते हो, बस इग्नोर करते हो, बात को नहीं करते हो। क्या नहीं करता हूँ मैं बात को, मतलब मैं बिजी रहता हूँ ना, एनी टाइम मैं बिजी रहता हूँ। क्या तो ऐसा क्या बिजी है भाई, थोड़ा बहुत तो सुनना चाहिए ना बात। रात को तो टाइम मिलता है वही मैं तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बाकी तो कहाँ टाइम मिलता है बोलो। सुबह में मैं निकल जाता हूँ घर से 8 बजे, फिर आता हूँ घर में 6-7 बजे, कभी कभी 8 बजे हो जाता है, फिर खाना खाता हूँ, आता हूँ, सो जाता हूँ। तो थोड़ा बाबू के साथ भी टाइम पास करता हूँ, वही है करके सो जाता हूँ, और क्या करूँ बोलो। तुम इतना मुंह फुला के कब से बैठे हो, क्या हुआ क्या अभी अभी? ठीक है पैसा मांग रहे हो, कैसे क्या करेगा पैसा से? ठीक है चलो पैसा दिया तुमको, क्या मैंने क्या करेगा तुम, पैसा दिया तुमको, पैसा दे दो पहले फिर दिया बोलना, अभी क्यों दिया बोल रहे हो? अच्छा ठीक है सोचो के दिया, क्यों सोचूं मैं जब दोगे ही नहीं। सोचो ना मैं दिया, कितना चाहिए, 5, 10, 15, 20 कितना चाहिए तुमको पैसा? जैसे बोल रहे हो कि बोलते हैं तुम दे दोगे, ठीक है ना, कितना चाहिए तुमको बोलो, मुंह फाड़ो ना, कितना चाहिए, 10-20? जो चीज नहीं सकोगे ना वो चीज में डायलॉग मत दिया करो, ठीक है ना, तुम बोलने से भी तुम दोगे तो नहीं। अच्छा मुझे पहले कारण तो बताओ, कारण क्या चाहिए? पूजा आ रहा है, पार्लर जाना होता है, कपड़ा खरीदना होता है, ये खरीदना होता है, कितना सारा चीज होता है, अब सारा कुछ बोल बोल के करूँ मैं। तो पूजा आ रहा है तुम सारी, पार्लर, अच्छा पार्लर ठीक है ठीक है चलो ये सब, तुम सारी जो है सारी तो तुम्हारा कितना तुम्हारा पड़ा हुआ है सारी, तो ये सब सारी पहले यूज करो ना, यूज करने के बाद। तो ये तो यूज किया हुआ है ना, अभी ये नहीं है कि साड़ी कितना पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ बोलने के बाद क्या तुम जो साड़ी में एक ही साड़ी को मैं साल वही साल में पहन के रहूं? अच्छा तुम खुद सोचो, अभी तुम्हारा पार्लर प्लस तुम्हारा साड़ी और ये सब के लिए कितना खर्चा होगा तुम्हारा मिनिमम, एक तो बताओ कि तुमको कितना चाहिए मिनिमम, एक तो तुम बताओ कि इतना से मेरा हो जाए, कितना चाहिए तुमको? जितना भी चाहिए तुम दोगे नहीं तो बेकार में बोलेगा। बोलो ना एक बार बोलो तुम कितना चाहिए, मैं फिर बोलता हूँ ना कितना चाहिए। साड़ी अब खरीदने जाऊंगी, अब मुझे क्या पहले से मालूम है, मेरा के खुद का दुकान तो है। तो भी एक आइडिया है ना, जो 5, 10, 15 हजार या 2 हजार, 1 हजार कितना का साड़ी लोगे तुम? साड़ी मैंने उतना के नहीं, मैंने सारा कुछ किया हुआ है, थोड़ा बहुत ज्वेलरी लेना होता है, अब ड्रेस खरीदूंगी तो साथ क्या मैचिंग ज्वेलरी नहीं चाहिएगा, इयर रिंग वगैरह तो चाहिए, उतना ज्यादा तो मांगती नहीं हूँ। और लोगों का देखो वो तो दो दिन में पार्लर के लिए कभी ये कभी, मैं थोड़ी मांगती तुम्हारे साथ ऐसा, मैं तो कभी कभार साल में एक बार जब पूजा आता है तभी मैं तुम्हारे साथ पार्लर के लिए वो सब वो करती हूँ, उतना भी तुम नहीं कर सकते। क्या करूँ देखो, तुम भी देख रहे हो कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तुम भी देख रहे हो, तुम जान रहे हो ना सब, तो खुद सोचो अभी इस टाइम पे अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ बाद में क्या होगा, तुम खुद सोचो, बाबू भी है उसको तो कुछ देना पड़ेगा ना तुमको। चलो ठीक है तुम, हम जानता है तुम समझता है ना चीज, तुम मान जाएगा कि चलो इस बार मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बार देने से वो मुझे पता है तुम मान जाएगा, लेकिन तुम खुद सोचो कि बाबू को नहीं देने से कैसा लगेगा, कि उसको इस बार फर्स्ट उसका दुर्गा पूजा एक बार गया था छोटा था, नेक्स्ट उसका दुर्गा पूजा आया उसको नहीं देने से कैसा होगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जैसा बिजनेस चल रहा है मैं क्या बोलूँ, मैं मेरा भी मन है देखो तुमको बाबू को के अच्छा अच्छा चीज दू, ज्वेलरी दू, तुमको भी पार्लर लेके जाओ, मन है, लेकिन मैं क्या करूँ बोलो। मैं मतलब ऐसा कंडीशन हो गया ना अभी बिजनेस का, एकदम मैंने सेल और कुछ भी नहीं है, ऐसे पूरा दिन जाके ऐसे ही मैं बैठा रहता हूँ, मैं क्या करूँ अभी बोलो, तुम खुद सोचो। मैं तुमको कैसे भी बताऊँ, बाहर का जो टेंशन है मैं तुमको कैसे दूँ बोलो, घर में बाहर का टेंशन देना ठीक नहीं है ना, घर में जो होता है ठीक है, बाहर का टेंशन मैं तुमको कैसे दूँ बोलो। इसलिए मैं इतना दिन तक तुमको नहीं बताया, आज मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, ज्वेलरी देना ये शॉपिंग करना क्या बड़ा बात है बोलो, अगर हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा मैं क्या करूँ बोलो। तुम खुद सोचो, तुम ये सब चीज़ समझते हो ना, इसलिए मैं तुमको बहुत दिन के बाद अभी टाइम आ गया, मैं जानता हूँ तुम खराब पाएगा, मतलब मन में सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं दे रहा है, इसका पति ऐसा तो कर रहा है उसका पति, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ अभी बोलो, हाथ में नहीं है पैसा, तुम सोचो मैं क्या कर रहा हूँ। और तुम ऐसे पार्लर पार्लर बोल रहे हैं, तुमको पार्लर जाने की क्या जरूरत है बोलो, पहले तुमको पार्लर जाने एक बार तो तुम बता दो, तुम पार्लर क्यों जाएगा, तुम पार्लर क्यों जाएगा बोलो, पार्लर किस लिए जाएगा तुम?
तुम पार्लर किस लिए जाएगा बोलो? किस लिए जाते हैं लोग पार्लर? ये कोई बात होता है क्वेश्चन, पार्लर किस लिए जाता है, पार्लर किस लिए जाता है? तुम पार्लर क्यों जाओगी? तुम ऐसे तो ब्यूटीफुल हो, मैं वही हिसाब से तुमको लेके आया। तुम खुद सोचो, जब तुमको लेने के लिए गया कितना दिक्कत से, कितना रिस्क लेके मैं तुमको घर से लेके आया, खुद सोचो। अगर उस टाइम पे अगर कोई पकड़ लेता मुझे, मेरा हालत क्या होता तुम खुद सोचो। कितना रिस्क से मैं तुमको मैं लेके आया, कितना बढ़िया प्लानिंग करके मैं लेके आया, तुम खुद सोचो। कितना कष्ट हुआ, तुम भी जानते हैं कितना कष्ट हुआ। बाद में यहाँ पे आओ, आके शादी करो, शादी करके कोर्ट मैरिज करो, फिर हम लोग घर में आया। तुम खुद सोचो कितना दिक्कत हुआ हम लोग को शादी में। तू तो हमारा साथ था कि नहीं? तभी मेरा दिक्कत था, तुम मेरा साथ था। अभी भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी तो मैं तुमको देने का ट्राई करूंगा नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में तुम लेना, जो चाहिए तुम ले लेना, नेक्स्ट ईयर में तो ठीक होगा ना। अभी मन खराब करके क्या करेगा बोलो? तुम कितना मन उदास करके बैठा हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आज सोचा कि मैं तुम पूछूं क्या बात है क्या नहीं है। चलो बाहर का बात भी मैं तुमको थोड़ा टेंशन दूं, क्योंकि मुझे टेंशन देने के लिए मन नहीं है तुम लोगों को। घर का प्रॉब्लम है, घर का तुम ऐसे काम वाम करते हैं ऐसा ही टेंशन है। बाबू को लेके टेंशन है, वो भी कि इतना खेल कूद करता है, उसको लेके तुमको सारा दिन तो उसको पीछे में चला जाता है। मुझे पता है घर में कोई नहीं है ना, तो कष्ट होता है, इसलिए मैं क्या बाहर का टेंशन दूं तुमको। इसलिए मैंने आज क्या किया, मैं तुमको आज बोल ही दिया क्या है। तुम तो ये सब चीज़ समझते हो ना, तुम तो ये सब चीज़ समझते हो ना। और पार्लर सार्लर ये सब छोड़ो ना, तुम पार्लर जाके क्या करेगा तुम? तुम पार्लर बिना जाके तुम नेचुरल में तुम जितना अच्छा लगता है पार्लर जाके इतना अच्छा, पार्लर के जाने का मन, पार्लर में जाने का मन छोड़ दो, क्योंकि पार्लर में जाके क्या करेगा तुम? तुम्हारे ऐसे ही देखो तो आईब्रो कितना क्यूट है, पार्लर जाने से इसको थोड़ा काट उट देगा अच्छा नहीं लगेगा ना। देखने में कुछ नेचुरल, तुम जो नेचुरल लुक्स है ना वही मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा नेचुरल जो है वही मुझे अच्छा लगता है। बेकार मैं छोड़ो, तुम तो समझते हो ना, अभी क्या करो बोलो? तुम तो समझते हो, तो यही मैं बोल रहा हूँ। इस बार प्लीज बोलता हूँ मैं, इस बार तुम मतलब बिना कुछ लेके मान जाओ, मैं नेक्स्ट बार तुमको 100% में देने के लिए ट्राई करूँगा, एकदम 100%। इस बार तुम मान जाओ। देखो सारी ज्वेलरी ये सब क्या है बोलो, आज नहीं है तो कल तो होगा ही ना, आज नहीं तो कल तो होगा ही। तुम खुद सोचो घर कैसा है, मैं घर एक ठू नहीं बना पा रहा हूँ, कितना दिक्कत है ना, तो इसलिए मैं घर नहीं बना रहा। मैं भी सोच रहा हूँ कि घर अच्छा से मैं घर एक ठू बनाऊँ, घर में रहूँ। देखो जमीन है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो जमीन वमीन हम लोग, लेकिन तो भी तो घर होना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वही मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भगवान करे घर एक ठू हो जाए हम लोगों का, और तुमको मैं सब एनी टाइम मैं खुश रख सकूँ। इस बार तुम मुझे माफ़ी कर दो, मैं क्या बोलूँ, माफ़ कर दो मुझे, इस बार मैं तुमको नहीं दे सका, क्या करो बोलो? इस बार मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट बार तुमको 100% में दूंगा। इस बार मान जाओ, इस बार मैं बाबू को दे देता हूँ कुछ एक खरीद के, बाबू को दे देता हूँ, ठीक है? तुम नेक्स्ट बार मैं तुमको 100% में तुमको दूंगा, प्लीज़ मान जाओ। मन उदास मत करो, मन उदास करने से देखो शाम को आता हूँ मैं घर में, तुम मन उदास करके रहेगा, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे चलो कितना टाइम होता है, 10 बजे हम लोग सो जाता है, तो जल्दी जल्दी खा के मैं सो जाता हूँ, इसलिए आजकल बात भी नहीं करता। तो आज सोचा कि घर में आकर अगर थोड़ा खुशी नहीं रहेगा तुमको, मैं स्माइलनेस नहीं देखूंगा, मेरा खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आज एक बार फिर निकला है, होगा ना? ठीक है, ठीक है नहीं, ऐसा करके मत बोलो, जैसे ठीक है बोल रहा है कि भिखारी को भिक्खा दे रहा है, ठीक है ऐसा करके क्यों बोल रहा है? एक तो मतलब जिससे लुक्स था ऐसा करो ना, हंसो ना, कितना दिन से तुम नहीं हंस रहे, कितना दिन से तुम्हारे हंसी देखने के लिए मैं पागल हो जा रहा हूँ, मुझे कब हंसेगा मेरा वाइफ, कब हंसेगा, क्या टेंशन में बैठा हुआ है। मैं आज पूछने का टाइम मिला इसलिए तुमको पूछा, तो इस बार नहीं देना होगा तो ना, होगा हंस के बताओ, ठीक है होगा तो बोल तो ना, सच में तो मन दुख नहीं है तो इस बार मैं नहीं दूंगा, नहीं बार जरूर दूंगा, तुम आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम तो ये सब चीज समझता है ना, मेरा दुख समझता है। चलो ठीक है, और सुनो ना, एक काम करो ना, चाय थोड़ा लेके आओ, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, चाय थोड़ा लेके आज, थोड़ा मतलब सर में इतना हेडेक था, पूरा दर्द कर रहा है, तो सर भी दबा दोगे बाद में? ठीक है, तुम चाय थोड़ा लेकर जाओ।
गाइस, मैं बोला सक्सेस हो चुका हूँ, मैं इस बार मैं खर्चा से बच गया। और आप लोगों का ये ट्रिक कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताइए गाइस। ट्रिक बहुत जबरदस्त था कि नहीं, तो आप लोग भी ऐसा करके अपना वाइफ को या किसी को भी, वाइफ हो चाहे जो भी हो, अपना बहन हो जो भी हो, अगर आपका पॉकेट ढीला है तो यही एक सलूशन है, दूसरा और कुछ सलूशन नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा करके अपना वाइफ बहन जो भी है सबको पटा लो, क्योंकि अब थोड़ा छोटा हो जाओ तो वो लोग पट जाएगा। और लड़की लोगों का मन ऐसे बहुत नाजुक होता है गाइस। तो आप लोगों का वाइफ का दिल कैसा है प्लीज गाइस कमेंट करके बताइएगा, सेम मेरा वाइफ का जैसा है कि नहीं। तो गाइस अभी मैं नहीं बोलूंगा उसको, मैंने प्रैंक किया बोल के, क्यों प्रैंक कर अगर बात बोल दूंगा मैं, इसलिए आज उसके सामने नहीं बताया मैं प्रैंक का बात। प्रैंक अगर मैं उसके सामने बता दूं तो मेरा पॉकेट 100% ढीला होने वाला है, तो आज मैं नहीं बताऊंगा, खाली आप लोगों को बोल दिया गाइस मेरा ये जो प्रैंक है कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों का वाइफ लोग कैसा है, बहन लोग कैसा है प्लीज बताइएगा कि मेरा बीबी के जैसा है कि नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय बाय।